बड़ी खबर के साथ ब्रिटेन का आगाज करते हैं सुकमा शहर, जहां पे नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में जवानों ने फायरिंग की है। जंगल का फायदा उठाकर भागे हैं नक्सली और चिंतलनाथ थाना क्षेत्र के मोरपल्ली में ये मुठभेड़ हुई है। एक बार फिर से सुकमा में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ और नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की है। जंगल का फायदा उठाकर भागे हैं नक्सली और जवानों को खुद पर हावी होता देख भी नक्सली यहां से भागने में कामयाब हुए हैं। ये बड़ी जानकारी चिंतलनाथ थाना क्षेत्र में देखिए। एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, लगातार नक्सलियों की तरफ से ये कोशिश की जाती है भय का माहौल बनाने की, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सलीम, एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच सुकमा में मुठभेड़ हुई है, कौन सा इलाका था ये जहां पर मुठभेड़ हुई और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद लगातार सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर चिंतलनार थाना क्षेत्र से सुरक्षा कोबरा बटालियन और जिला बल की टीम मौके के लिए रवाना हुई थी। मोरपल्ली इलाके में माओवादियों की बैठक की सूचना थी जी। जैसे ही जवान मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, हालांकि किसी तरह के हताहत नहीं हुई है। जवानों ने मौके से 7 से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार करके लाने की सूचना मिल रही है, अभी पूछताछ जारी है जी। सलीम, ये बताइए जरा, जहां पे मुठभेड़ हुई है ये इलाका रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर है? क्या अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? जी, ये जो इलाका है धूर नक्सल प्रभावित इलाका है, जो सुकमा जिले के करीब 150 किलोमीटर के घोर जंगल में है। मोरपल्ली इलाका माओवादियों के सेफ ठिकाना बताया जाता है, जिसके आज माओवादियों की बैठकों की सूचना मिलने के बाद जवानों ने एक विशेष ऑपरेशन जारी किया गया था। देर शाम ही जवान एक मुठभेड़ के बाद वापस लौटे हैं। कुछ संदिग्धों को पूछताछ की जा रही है, कुछ अहम सुराग इसमें मिलने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। बिल्कुल, पूछताछ पे देखना होगा कि क्या और अहम सुराग हाथ लगते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।